ओके आज हम क्लास फोर के इंग्लिश टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड के द लिटिल फार ट्री स्टोरी रीडिंग करेंगे। ये जो स्टोरी है ये एक फार ट्री के बारे में है जिसे एक मैजिशियन जिसका नाम शेठी था उन्होंने वरदान दिया था और वरदान देने की वजह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे या क्या क्या प्रॉफिट्स हुए थे इसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। द लिटिल फार ट्री। शेठी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगन टू रेन। शेठी एक मैजिशियन था जो घर आ रहे थे लेकिन अचानक रास्ते में बारिश होने लगे। इट रेन्ड हैवीली। जोर से बारिश हो रहा था। शेठी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ ए प्रिटी लिटिल फॉर ट्री। शेठी ने चारों ओर देखा तो उनको एक छोटा सा फॉर ट्री दिखाई दिया। He ran towards it as fast as he could, और वो दौड़ के उसके पास चले गए। Soon the rain stopped. जल्द ही बारिश रुक गई। Shetty was happy that he didn't get wet. और Shetty काफी खुश था क्योंकि वो भीगे नहीं थे क्योंकि उनको फॉर ट्री ने बचा लिया था। Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for four wishes that I'll grant them, said the magician. तो वो मैजिशियन या जादूगर ने क्या बोला ट्री को कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ तो मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। आप कोई भी चार विशेस मांग लीजिए जो मैं आपको दूंगा, जो आपको मैं ग्रांट करूंगा। द सैड फॉर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। वो जो ट्री था वो सैड था क्योंकि उस ट्री के जो पत्ते थे वो सुई के जैसे था, इसीलिए कभी भी कोई भी बर्ड्स आके वहाँ घोंसला नहीं बनाते थे। So it said, I wish I had green leaves like my other friends. और उन्होंने बोला, वो ट्री ने बोला कि मैं चाहता हूँ मेरा हरे हरे पत्ते हो जाए जो मेरे बाकी दोस्तों के जैसे है, मतलब मेरे बाकी जो ट्रीज हैं उनके जैसे मेरा भी हरे हरे पत्ते हो जाए। Next morning its wish was granted. और अगले ही सुबह उनके जो विश था कि उनके हरे पत्ते हो जाए वो विश उनको मिल गया। वो ट्री को वो विश मिल गया मतलब ट्री के जो नीडल लाइक पत्ते थे उसके जगह पे हरे हरे पत्ते उग गए थे। सून ए गॉड केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। थोड़ी ही देर में एक बकरी वहाँ आया, आके वो जो ट्री के हैं पूरे ग्रीन लीव्स जो हरे पत्ते थे खा गए। ओह डियर सेड द फॉर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोल्ड्स डोंट ईट गोल्ड लीव्स। तो उसने बोला काश मेरा सोने के पत्ते होते क्योंकि सोने के पत्ते बकरियां नहीं खाते हैं। व्हेन द फॉर ट्री वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इट वाज सरप्राइज्ड टू सी गोल्ड लीव्स। और जब अगले ही सुबह वो जागा तो वो सरप्राइज्ड हो गए क्योंकि उसके हरे पत्ते के जगह पे इस बार सोने के पत्ते उग गए थे। हाउ हैप्पी आई एम इट सैड। उसने बोला मैं कितना खुश हूँ। ए मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। और क्या हुआ, कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ आया, आने के बाद उन्होंने क्या किया, पूरे जो सोने के पत्ते थे वो चुरा के ले गए। तब वो जो ट्री था पेड़ फिर से सैड हो गए। उसने क्या बोला, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। मैन डोंट स्टील ग्लास लीव्स। उसने बोला कि काश मेरे पास
ग्लासेस का बने हुए पत्ते होते, क्योंकि ग्लासेस के बने हुए पत्ते लोग नहीं चुराते हैं। नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीफ शोन इन द ब्राइट सन, और अगले सुबह उसके जो पत्ते थे वो ग्लास के बन गए और वो धूप में चमकने लगे। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड, और उस ट्री ने बोला कि अभी मैं कितना खुश हूँ। एट नाइट द विंड ब्लू हू ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, और उसी रात को क्या हुआ, जोर से हवा आया और उसके पूरे ग्लास लीव्स टूट गए। Oh dear, said the fir tree, I like my old needle like leaves best, for ghosts don't eat them, no man can steal them, and the wind will do them no harm. और इसके बाद लास्ट में वो फर ट्री ने क्या बोला कि मैं मेरे पुराने जो सुई के जैसे पत्ते हैं वही मुझे सही, वही मेरे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वो वाला पत्ता ना बकरियाँ खाते हैं, ना लोग चुराते, ना ही जो तूफान है, जो हवा आते हैं वो तोड़ पाते हैं। द ट्री वेंट टू स्लीप, व्हेन इट वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन, और जब ट्री नेक्स्ट जो रात को सो गए, इसके बाद वो नेक्स्ट अगले सुबह ही जग गए, तो जगने के बाद देखा उसके दोबारा, ये देखो दोबारा उसके नीडल लाइक लीव्स, सुई जैसे पत्ते दोबारा उसके उग गए। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फॉर ट्री, और उसने क्या बोला, मैं कभी भी इतना खुश नहीं था क्योंकि मुझे मेरे पत्ते मिल गए, है ना। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि हमें हमेशा हमारे पास जो है उसी में ही खुश होना चाहिए, दूसरी चीज़ हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि शायद वो दूसरी चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। तो अभी हम उसके नए जो शब्द है न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। प्रिटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल, नीडल्स सुई, लीव्स पत्ते, गोल्ड सोना, स्टोल चोरी करना, लेकिन ये स्टील का पास्ट टेंस है, चोरी हो गया था या चोरी किया था। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। रीडिंग इज फन, इसके बेस पर जो हमने इस स्टोरी रीडिंग किया उसके बेस पर हमें क्या करना है, ये वाले आंसर्स करना है। चलो, द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स, बट जो ट्री था वो गोल्ड लीव्स से काफ़ी खुश था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ तीन ऑप्शन है। ए गॉड केम अलोंग एंड एट देम, ऑल द लीव्स गॉट वेट इन द इन रेन, ए मैन स्टोल देम। तो इस स्टोरी के हिसाब से हमें क्या है, वो तो हैप्पी था लेकिन एक आदमी आके उसको चुरा के ले गया था, तो आंसर होगा ए मैन स्टोल देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, द फर ट्री वॉज सैड, फर ट्री जो था वो सैड हो गया था, क्यों हो गया था, बिकॉज इट हैड फर ट्री सैड था, वो दुखी था, क्यों था, बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, क्योंकि उसके पास पीले पत्ते थे, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, क्योंकि उसके पास सुई जैसे पत्ते थे, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, क्योंकि वो बहुत छोटा था। तो सही आंसर क्या होगा, हाँ द सही आंसर होगा बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स, फर ट्री गोल्ड लीव्स होने के बाद, उसके सोने के पत्ते होने के बाद भी हैप्पी नहीं था, क्यों नहीं था ये हमें बोलना है ना। ऑप्शन से, बिकॉज द गोल्ड्स केम इन एट देम, ए मैन स्टोल देम, द गोल्ड लीव्स ब्रोक। तो आंसर जो स्टोरी है उसके मुताबिक ए मैन स्टोल देम, इसीलिए उसके पास गोल्ड लीव्स होने के बाद भी
वो ट्री खुश नहीं था।